वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि गोपाल कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं और भगवद गीता के अभ्यास में पहला प्रास्ताविक पर, प्रस्तावना पर एक सत्र है जिसका हमने विचार किया पिछले वर्ग में। आगे के दो या तीन वर्ग केवल हम लोग प्रस्तावना पर ही रहेंगे और भगवद गीता के अभ्यास के लिए, पूर्व तैयारी के लिए, भगवद गीता में प्रवेश करने के लिए जो मानसिकता आवश्यक है, जिस दृष्टिकोण से भगवद गीता का अभ्यास करना चाहिए, उस पूर्व तैयारी का हम लोग विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे। संत कबीर जी का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो कबीर जी कहते हैं कि छोटा सा पौधा होता है तो पौधा लगाने के तुरंत बाद हमें फल नहीं मिलते। छोटा सा पौधा होता है, उसे पानी डालना पड़ता है, उसे धूप देनी पड़ती है और फिर एक समय जब आता है पौधा बड़ा होने के बाद फिर वो फल देता है। तो भगवद गीता का अभ्यास बिल्कुल इस तरह है कि धीरे धीरे अगर इसका अभ्यास करेंगे, योग्य दृष्टिकोण से करेंगे, योग्य मानसिकता से करेंगे, प्रिसाइजली करेंगे, शास्त्र शुद्ध पद्धति से अगर ये अभ्यास करेंगे तो योग्य समय पर इसके फल हमें मिलेंगे। ये इंस्टेंट रिजल्ट्स की बात नहीं है क्योंकि आजकल हम लोग बहुत फास्ट पेस्ड ज़माने में रहते हैं, भागा दौड़ी का ज़माना है, तो हम लोगों को सारी बातें इंस्टेंट चाहिए। भगवद गीता के अभ्यास का फल इस तरह इंस्टेंट मिले ये अपेक्षा से ये अभ्यास ना करें। भगवद गीता की महती हमने पिछले सत्र में देखी कि कर्म के बारे में भगवद गीता हमें मार्गदर्शन करती है, धार्मिक दृष्टिकोण से उपासना, भक्ति और ज्ञान, इन सारे दृष्टिकोण से अपने आप को विकसित करने के लिए भगवद गीता के अभ्यास का महत्व है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ऐसा गीता के बारे में कहा जाता है। और क्यों कैसा कहा गया है? क्योंकि जिन विषयों के बारे में, जिन समस्याओं के बारे में, जिन मुद्दों के बारे में भगवद गीता में विचार आया है, वो सार्वभौम मुद्दे हैं। वो किसी एक देश, काल या परिस्थिति में एप्लीकेबल नहीं, केवल प्रासंगिक मुद्दे नहीं हैं, प्रासंगिक विषय नहीं हैं। तो सर्वकाल, सर्वदेश, सर्व परिस्थिति में मानव को जिसका उपयोग होने वाला है, ऐसा ज्ञान, ऐसा तत्वज्ञान, ऐसा विषय, इनकी भगवद गीता में चर्चा हुई है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात कि मनुष्य का जीवन हमेशा से संघर्षमय रहा है, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में भी था, भगवान श्री राम के ज़माने में भी संघर्ष था और आज कलयुग में भी संघर्ष है, केवल संघर्ष का स्वरूप बदलता है। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो, जितनी संघर्षमय हो, जितना बाहर के जीवन में झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन अंदर से उस संघर्ष को समाप्त करना संभव है। इसी दुनिया में, इसी परिस्थिति में रहते हुए, इस परिस्थिति में समाज के प्रति अपनी भूमिका निभाते हुए, अपना कर्तव्य अत्यंत उत्कृष्ट पद्धति से करते हुए, हमारे अंदर का जो संघर्ष है, अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर का झगड़ा है, उसे पूरी तरह से शांत करना संभव है। एक तरफा संघर्ष को हमारे बाजू से समाप्त करना, निवृत्त करना, शांत करना संभव है। इसके लिए जो कला है, जो शास्त्र है, वो भगवद गीता हमें सिखाती है
इसलिए हम कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र देतम। और तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण हमने देखा था कि भगवद गीता का ये जो तत्व ज्ञान है ये टाइमलेस है। बाकी के बहुत सारे तत्व ज्ञान ज्ञान जानकारी के इन्फॉर्मेशन के जितने सारे क्षेत्र हैं वो आए कुछ दिन कुछ साल कुछ 100-200 साल रहे या फिर 1000 साल तक रहे और ऑब्सोलीट हो गए। बहुत जल्दी इस दुनिया की बाकी सारी बातें सारे ज्ञान वो कालबाह्य हो जाते हैं। लेकिन 5000 साल पहले ये जो भगवद गीता कही गई थी उसकी आवश्यकता आज भी हमारे जीवन में है। तो महत्वपूर्ण शास्त्र है, सर्वगुण संपन्न शास्त्र है, परम मंगलकारी शास्त्र है और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इसका विचार इसका अभ्यास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। किसी भी शास्त्र ग्रंथ का अभ्यास करने के लिए वो अभ्यास के पहले उस शास्त्र ग्रंथ के अनुबंध और उसके षडलिंग इनका अभ्यास करना आवश्यक है। अनुबंध चतुष्टय का अर्थ है कि एक विशिष्ट दिशापूर्ण अर्थपूर्ण अभ्यास होने के लिए शास्त्रकारों ने हमें एक मर्यादा दी है, एक चौखट दी है, एक ढांचा दिया है। उस विशिष्ट चौखट में रहते हुए अगर हम लोग अभ्यास करेंगे तो ये शास्त्र हमें व्यवस्थित जिस दिशा में जाना चाहिए उसी दिशा में लेकर जाएगा और जो फल हमें प्राप्त होना चाहिए उस फल की हमें इसी जन्म में निश्चित प्राप्ति होगी। तो ये जो अभ्यास करने का एक विशिष्ट अर्थपूर्ण तरीका है, पद्धति है, उसे अनुबंध चतुष्टय कहा गया है। इसमें चार घटक आते हैं, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। भगवद गीता के अभ्यास का अधिकारी कौन है? जिसके मन में असूया नहीं है, जो तपस्वी मनोवृत्ति का है, जो भक्त है, श्रद्धालु है, जो ये शास्त्र सुनने की इच्छा रखता है और जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति असूया नहीं रखता, दूसरे किसी मानव के प्रति असूया नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भगवद्गीता सुनने का अधिकारी है। योग ये भगवद्गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। जीवात्मा का परमात्मा से ऐक्य, जीव ब्रह्मैक्य, जीव और ब्रह्म का योग, ये इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। प्रयोजन में हमने कई सारे प्रयोजन दिखे थे कि कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से मुक्त होना। भगवद्गीता हमें कर्म से मुक्ति नहीं सिखाती है, कर्म से मुक्त होना असंभव है लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त होना संभव है। तो भगवद्गीता हमें कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए ये सिखाती है, ये उसका प्रमुख प्रयोजन है। त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से हमें मुक्त करती है, चिंता से मुक्त करती है, अनासक्त करती है, प्रसन्न हमारा मन हमेशा रहे, ये सारे भगवद्गीता के अभ्यास के प्रयोजन है। इसके लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और संबंध एक तकनीकी बात है, शास्त्रीय संकल्पना है, इसका प्रत्यक्ष साधन के दृष्टिकोण से उपयोग नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसके प्रतिपादक है और मोक्ष प्रतिपाद्य विषय है। ये दोनों के बीच में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। ये अनुबंध चतुष्टय की बात, इसका हमने विचार पिछले सत्र में किया था। जीवन के इस संघर्ष में भाग जाना अपेक्षित नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है। भगवद्गीता की महत्ता इसमें है, वो किसी नदी के किनारे पर, समंदर के किनारे पर, आश्रम में या वन में नहीं कही गई थी। भगवद्गीता में जो सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन जो श्रोता है, शिष्य है, वो रणांगण के बीच में खड़े हैं, महासंग्राम की पार्श्वभूमि है और ऐसे पार्श्वभूमि के ऊपर इस भगवद्गीता का प्रबोधन हो रहा है। तो संघर्ष से भागना हमें भगवद्गीता नहीं सिखाती, उसी परिस्थिति में रहते हुए अत्यंत शांतता से मन के अंदर शांतता रखते हुए उसका सामना कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण शास्त्र कला हमें भगवद्गीता सिखाती है। अनुबंध चतुष्टय का अभ्यास करने के उपरांत दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है उसे षडलिंग कहते हैं। किसी भी शास्त्र ग्रंथ के अभ्यास में अनुबंध चतुष्टय और षडलिंग इनका अभ्यास पहले करें, ये वेदांत शास्त्र के अभ्यास की एक परंपरा रही है। किसी भी शास्त्र ग्रंथ के लिए लिंग शब्द का अर्थ है सिंबल या फिर चिन्ह। षडलिंग छह तरह के चिन्ह, ये चिन्ह क्या बताते हैं कि कोई भी ग्रंथ
सदग्रंथ है या नहीं, इसे हम लोग कैसे पहचानें? आज जिस ज़माने में हम लोग रह रहे हैं तो उसमें बहुत सारी किताबें होती है। हमें अपने आप को अगर मदद करनी है, सेल्फ हेल्प जिसे कहते हैं, वो सेल्फ हेल्प करने के लिए दुनिया में बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, लेकिन सारे के सारे सदग्रंथ नहीं हैं। सदग्रंथ शब्द का अर्थ है जो ग्रंथ हमें सत तत्व की तरफ ले जाता है, उसे सदग्रंथ कहते हैं। सत तत्व, ब्रह्म तत्व, जो मेरा मूल स्वरूप है, उस मेरे मूल स्वरूप तक लेकर जाने वाला, उसके बारे में प्रबोधन करने वाला ग्रंथ, उसे सदग्रंथ कहते हैं। कोई भी ग्रंथ सदग्रंथ है या नहीं, इसे हम लोग कैसे पहचाने, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक 6 क्राइटेरिया दिए गए हैं, 6 लक्षण बताए गए हैं, उन्हें कहते हैं षडलिंग। वो षडलिंग है, पहला है उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है अपूर्वता, चौथा है फल, पांचवा है अर्थवाद और छठा है उपपत्ति। किसी भी ग्रंथ में ये 6 लिंग होना, 6 लक्षण होना आवश्यक है। हम लोग देखिए कथा पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी टेलिंग के या फिर ललित वाङ्मय के कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि अगर हमें अत्यंत अच्छी कहानी किसी को बतानी है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, घटक होते हैं। जैसे कोई एक पात्र है, एक सेटिंग है, उसमें एक हीरो होता है, विलन होता है, क्लाइमैक्स होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है, एक सबसे महत्वपूर्ण उस कथा में एक बीच में संघर्ष होता है, एक कोई कॉन्फ्लिक्ट, एक चुनौती होती है, और फिर कोई एक संदेश, उद्देश्य, वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, इस तरह से वो कहानी बुनते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस कहानी को रोचक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए बहुत सारे स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि क्लाइमैक्स होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है, फ्लैशबैक दिखाते हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक क्लिफ हैंगर नाम का स्टोरी एलिमेंट है। क्लिफ हैंगर शब्द का अर्थ है कि कथा जब आगे बढ़ती है तो कथा की समाप्ति बीच में ही कर देते हैं, किसी एक प्रसंग के बीच में उस कथा की समाप्ति कर देते हैं। क्यों ऐसे जगह पर कथा रोकते हैं कि आगे जब वॉल्यूम 2 आएगा, आगे जब उसका दूसरा हिस्सा आएगा, तो दूसरे हिस्से में क्या होगा, इसके उस वाचक को उत्कंठा बनी रहे। मनुष्य की मानसिकता ये है कि कोई बात वो आधी अधूरी नहीं छोड़ना चाहता, पूर्णत्व तक जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो कथा जब ऐसे बीच किसी प्रसंग में आकर आधी अधूरी छोड़ देते हैं, क्लिफ हैंगर जिसे कहते हैं, तो मनुष्य चाहता है कि आगे क्या होगा, उसके बारे में वो सोचता रहता है, ये उसकी मानसिकता है। हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री बढ़ी रही है और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, हमारे यहाँ 5-7 साल पहले एक सिनेमा आया था, बाहुबली नाम का सिनेमा। तो यहाँ पे घर में आने वाले लोग, काम करने वाली बाई, वो सारे उसी के बारे में बोलते रहते थे कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। क्लिफ हैंगर एलिमेंट है कि पहले कथा को वहीं पर छोड़ दिया और फिर महीनों तक उसके बारे में यहाँ पर हैदराबाद में और शायद भारत में भी चर्चा होती रही, मैसेजेस लोग भेजते रहे। तो इस तरह की जो काल्पनिक कथा है, काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक सेटिंग है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में जब सोचते रहते हैं हम लोग, तो अत्यंत निरर्थक किसी बात के लिए हमारे मूल्यवान नरदेह के, मनुष्य जन्म के अनेक सारे क्षण व्यर्थ हो जाते हैं। इस तरह के जो ग्रंथ हैं, इस तरह की जो कथाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इन्हें सदग्रंथ नहीं कहते, सत्कथा नहीं कहते। सदग्रंथ वो है जहाँ पर एक अत्यंत विशिष्ट स्पेसिफिक उद्देश्य से वो ग्रंथ की निर्मिति होती है और वही उद्देश्य से वो संपूर्ण ग्रंथ की रचना होती है और उसी उद्देश्य को लेकर उस ग्रंथ की समाप्ति भी होती है। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स है, वो सदग्रंथ में होना आवश्यक है। और वो जो एलिमेंट है उसमें सबसे पहला लक्षण, पहला लिंग है उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता। उपक्रम शब्द का अर्थ है किसी भी ग्रंथ का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय, शास्त्र विषय, प्रबोधन का प्रमुख विषय जिस श्लोक से प्रारंभ होता है, उस श्लोक को और उसके अंदर प्रतिपाद्य जो विषय है, उस विषय को उस ग्रंथ का उपक्रम कहते हैं, जहाँ पर प्रबोधन का प्रारंभ होता है।
और उसी ग्रंथ में जिस श्लोक पर उस समान विषय की समाप्ति होती है उस श्लोक को उस ग्रंथ का उपसंहार कहते हैं। तो प्रबोधन का प्रारंभ जहाँ पर होता है वो उपक्रम और प्रबोधन की समाप्ति जहाँ पर होती है वो उपसंहार, इन दोनों में एक वाक्यता होना आवश्यक है। एक वाक्यता कैसी? कि जो विषय ध्यान में रखते हुए, दृष्टिकोण में रखते हुए ग्रंथकार ने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की है, शास्त्र बोध का प्रारंभ किया है, उसी विषय के साथ उस ग्रंथ की समाप्ति हो, बिगिनिंग और एंड वो एक ही विषय के ऊपर हो, सेंट्रल थीम वही हो, इसे कहते हैं उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता। भगवद गीता का उपक्रम है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः न अनुशोचन्ति पंडितः, या फिर अशोच्य। शुच धातु है, उसका अर्थ है शोक करना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जो बातें जो घटनाएं जो व्यक्ति शोक करने लायक नहीं है, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस बात के लिए शोक करना उचित नहीं है, जो व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति इस लायक ही नहीं है कि तुम शोक करो, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और ऊपर से मुझे ही तुम समझदारी की बातें समझा रहे हो, ये उचित बात नहीं है। तो शोक की निवृत्ति इस एक विषय से भगवद्गीता के प्रबोधन का प्रारंभ होता है। ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है और फिर अंत में 18वें अध्याय के 66 श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः, तुम शोक मत करो। तो शोक मत करो, यहाँ से प्रबोधन प्रारंभ हुआ था और फिर अंत में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सारे धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आकर तुम कोई भी कृत्य करोगे तो सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अर्जुन की समस्या ये थी कि पाप और पुण्य इनकी बेसिक संकल्पनाओं में ही अर्जुन के मन में संदिग्धता थी, अर्जुन कंफ्यूज था। जो बात वास्तविक में उसका कर्तव्य है, अन्याय के पक्ष में खड़े हुए लोगों का संहार करना, ये उसका प्राथमिक परम कर्तव्य था, लेकिन अपने प्रियजनों को मारना ये एक पाप है, ऐसी अयोग्य संकल्पना लेकर अर्जुन बैठा था और इसकी वजह से अर्जुन के मन में युद्ध नहीं करना चाहिए इस तरह का अयोग्य विचार निर्माण हुआ। भगवान जब कहते हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि पाप के बारे में जो योग्य अयोग्य संकल्पनाएं हमारे मन में हैं, उस डेफिनेशन को, उस संकल्पनाओं को ही भगवान यहाँ पर रिफॉर्म करने वाले हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी केवल एक व्याख्या नहीं तो वो संपूर्ण सामाजिक संदर्भ में, कर्तव्य के संदर्भ में इन बातों को देखना पड़ता है। भगवान इन सारी बातों का प्रबोधन भगवद्गीता में करेंगे, लेकिन जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है वो है शोक की निवृत्ति। भगवद्गीता हम लोग यहाँ पर किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जितना सारा शोक है, सफरिंग है, वेदना है, दुख है, हम लोग जो सारे दुख दूसरों को बताते नहीं, जाहिर नहीं करते, लेकिन हमारे मन में ही अंदर ही अंदर जितने सारे दुख शोक हैं उनकी निवृत्ति करना, ये भगवद्गीता का प्रमुख उद्देश्य है। उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता ये सद्ग्रंथ का पहला लक्षण, पहला लिंग। दूसरा लक्षण है अभ्यास। अभ्यास शब्द का अर्थ है पुनरावृत्ति। एक बात जो एक बार हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे बार बार पढ़ना, सुनना, समझना, उसे इंटरनलाइज करना, आत्मसात करना, उसे कहते हैं अभ्यास। व्यवहार में भी देखिए कि किसी एक तबले के क्लास की कथा में सुन रही थी, छोटा सा बच्चा है जो तबले के क्लास में गया, तो उसके जो मास्टर थे सिखाने वाले, उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि एक घंटे के लिए आपको सिर्फ धा बजाना है। छोटा बच्चा है कि एक घंटे के लिए सिर्फ धा, ये एक ही बोल बजाओ, इसे कहते हैं अभ्यास। भगवद्गीता का प्रमुख विषय है शोक की निवृत्ति,
तो इसी विषय को भगवान अपने प्रबोधन में अनेकानेक दृष्टिकोण से दोहराते हैं, क्योंकि वो अर्जुन से और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों से ये अभ्यास करवाना चाहते हैं कि शोक की निवृत्ति किस विचार से की जा सकती है। हम लोगों के जीवन में ये अपेक्षा होती है कि कोई एक चमत्कार हो जाए और कोई व्यक्ति मुझे आशीर्वाद दे दे, कोई एक मिराकल मेरे जीवन में हो जाए और सारे के सारे दुख नष्ट हो। तो ऐसे आशीर्वाद से, किसी के हाथ सर पे रखने से, किसी चमत्कार से हमारे जीवन के शोक की निवृत्ति होने वाली नहीं है। इसके लिए हम लोग इस तरह के रेडीमेड परमार्थ के लिए हम लोग भगवद गीता नहीं सीख रहे। उसके लिए शोक के मूल तक जाना पड़ता है। हमें शोक क्यों होता है, उसके विविध कारण क्या है, वो कितने अलग अलग तरह से वो मैनिफेस्ट होता है, अभिव्यक्त होता है, ये संपूर्ण मीमांसा करना आवश्यक है, ये विचार समझना आवश्यक है और इस तरह शोक निवृत्ति का अभ्यास करना आवश्यक है। उदाहरण के दाखिल भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, 25वें, 26वें, 27वें और 30वें श्लोक में एक ही बात दोहराते हैं कि नानु शोचे तुम अर्हसि, तुम शोक मत करो। तो 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना अवश्य है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म होना भी निश्चित है। तो जो बात एक लॉ ऑफ लाइफ है, जैसे किसी झाड़ के ऊपर कोई छोटा सा फूल है, पहले कली होती है, फिर वो खिलती है, बड़ा फूल बनता है, दो तीन दिन रह के वो मुरझा जाती है और फिर झाड़ से नीचे गिर जाती है। ये जितनी सिंपल लाइफ साइकिल है, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य के भी लाइफ साइकिल है कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म। तो ये सिंपल जो फैक्ट ऑफ लाइफ है उसके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो। ये एक शोक निवृत्ति करने के लिए अभ्यास करने का दृष्टिकोण है। ऐसे अनेकानेक दृष्टिकोण से भगवान अर्जुन को और हम सबको समझाने वाले हैं कि हमारे जीवन में किसी भी तरह का सफरिंग हो, वेदना हो, दुख दर्द हो, ये उचित बात नहीं है। इस तरह से दुख दर्द करने के लिए, रोने धोने के लिए हमें नरदेह नहीं मिला है। किस बात के लिए नरदेह मिला है वो बात भगवान आगे बताने वाले हैं। लेकिन अभ्यास मतलब उसी विषय को बार बार दोहराना, ये सद्ग्रंथ का दूसरा लक्षण है, दूसरा लिंग है। तीसरा लक्षण है अपूर्वता। अपूर्वता मतलब कोई एक विशेष उल्लेखनीय बात जो उस ग्रंथ के स्पेसिफिक हो, कोई एक विलक्षण बात, कोई एक विशेष गुणवत्ता वाली बात जो उस ग्रंथ में कही गई हो। भगवद गीता में 9वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी अधार्मिक, दुष्ट, दुराचारी, अनैतिक क्यों ना हो उसका व्यवहार, लेकिन एक बार वो मेरे शरण में आ जाए तो उसके बाद में साधुरेव समन्तव्यः, उसे साधु ही मानो, उसे सत प्रवृत्ति का मानो, सदाचारी मानो, ऐसे भगवान कहते हैं। ये भगवद गीता की अपूर्वता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय रहता है का अभ्यास करने के लिए जो एक पूर्व तैयारी चाहिए वो मुझ में नहीं है, तो मेरा जीवन अत्यंत सामान्य रहा है। जैसे महिलाएं होती हैं, उनको लगता है तो मैं एक सामान्य हाउसवाइफ हूँ, मेरा जीवन बहुत ही सामान्य रहा है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, मैं नौकरी नहीं करती। या फिर दूसरे लोग होते हैं कि जो उन्हें लगता है कि मैं बहुत फेल्यूर रहा हूँ, मुझे जीवन में अपयश मिला है। बहुत सारे लोग हैं उन्हें लगता है कि इसके पहले मैंने किसी शास्त्र ग्रंथ का अभ्यास नहीं किया। तो चाहे हमारा पास्ट टेंस भूतकाल जैसा भी हो, कितना भी दुराचारी हो, अनाचारी हो, ये सारे के सारे लोग जब मेरे शरण में आते हैं, भगवान कहते हैं, तो उनको साधु ही मानना चाहिए, सदाचारी ही मानना चाहिए। ये हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ की बात है, बहुत आश्वासक बात है, क्योंकि हम सब लोगों ने कोई ना कोई ऐसी बात हमारे भूतकाल में की है जिसकी हमें चुभन है। जो एक छोटा सा पाप होता है, छोटा सा दुष्कृत्य होता है, दूसरे किसी का दिल दुखाना, दूसरे किसी के साथ दुराचार करना, गैर व्यवहार करना, ये कोई अच्छी बुरी, भली बुरी बात हमसे हो जाती है और फिर हम सालों तक उसे पकड़ के रखते हैं। तो भगवान हमें यहाँ पर आश्वासन दिलाते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जाओ
और जैसा मैं कहता हूँ उस तरह तुम अपना जीवन बाद में व्यतीत करोगे तो तुम बाद में साधु ही कहलाओगे। वाल्या कोड़ी की कथा है ये, जो बाद में वाल्मीकि बना। सब लोगों को पता है कि वाल्या अत्यंत पापी था, अत्यंत दुराचारी था, लेकिन वो अत्यंत निश्चयी भी था। तो हम सब लोग वाल्या के जितने पापी निश्चित नहीं हैं, लेकिन हम लोगों का निश्चय भी उतना दृढ़ नहीं है। भले ही पापाचरण की मात्रा हम में कम हो, लेकिन निश्चय की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके उपरांत जैसे वाल्या कोड़ी का वाल्मीकि ऋषि बने, बिल्कुल उसी तरह इसी जीवन में, इसी परिस्थिति में हम लोग साधु सदाचारी बन सकते हैं। इसी भगवद्गीता का अभ्यास करके हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अत्यंत आनंदमयी, शांत, समाधानी जीवन हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। ये भगवद्गीता की अपूर्वता है कि हमारा जो भी भूतकाल है उसे वो महत्व नहीं देती। जो हमारा वर्तमान काल है और आने वाला भविष्य काल है, उस पर भगवद्गीता एम्फसाइज करती है कि आने वाले दिन, आने वाला जीवन अत्यंत उत्कृष्ट पद्धति से कैसे जिया जाए। इस तरह की अपूर्वता ये सद्ग्रंथ का तीसरा लक्षण है और वो भगवद्गीता में है। सद्ग्रंथ का चौथा लक्षण है फल। हमने अनुबंध चतुष्टय में देखा था कि जो अनुबंध प्रयोजन है वही फल बन जाता है। तो किसी भी ग्रंथ के अभ्यास के पहले कोई प्रयोजन है, उद्दिष्ट है, अभ्यास के बाद वही प्रयोजन फल बन जाता है। तो भगवद्गीता में कहते हैं भगवान, एक फल है कि त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम मुक्त हो जाओगे। किस तरह मुक्त हो जाओगे? अगर अच्छी तरह से गीता का अभ्यास किया तो जितनी सारी चिंताएं हमारे मन में हैं, उन सारी चिंताओं से, भय से तुम्हारी कायम स्वरूपी मुक्ति हो जाएगी। इतनी सारी बातों से हमें डर लगता है। हमारे घर में एक महिला आती थी, साधारण सी महिला, तो घर में उनके बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत धार्मिक महिला है, स्वभाव से अत्यंत धार्मिक है। तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, घर में बहुत पूजा पाठ करती है। तो उस दिन वो मुझसे कह रही थी कि मुझे घर में जितने सारे लोग हैं वो बाहर जाने वाले हैं, गांव जाने वाले हैं, और अब मैं 4 दिन अकेली हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा, डर क्यों लग रहा है? तो बोले, मैं अकेली हूँ, घर में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा, भगवान जी की रोज़ पूजा करते हो, रोज़ आरती करते हो, तो आपका घर वही है, मंदिर वही है, भगवान भी वहीं पर है, तो आप अकेले कैसे हो? भगवान तो वहाँ पे है, उनकी मूर्ति वहाँ पर है। अगर आप इतना पूजा पाठ करते हो तो विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए कि भगवान आपका कोई नुकसान नहीं करवाएंगे, आपके साथ कुछ उल्टा सुलटा नहीं होने देंगे। तो महिला कहती है, हाँ वो भगवान है, लेकिन वो तो मंदिर में मूर्ति में है ना, मेरे साथ तो घर में कोई नहीं है, घर में सारे लोग तो चले जा रहे हैं, मैं अकेली हूँ, तो अकेलेपन से डर लगता है। देखिए, ऊपरी स्तर पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर हम लोग ऐसा कभी नहीं मानते कि भगवान वास्तविक में मेरे साथ है। आज अभी इसी समय वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, हमेशा मेरा रक्षण कर रहे हैं। ये श्रद्धा, ये विश्वास हमारे मन में पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि उसी की अभिव्यक्ति है। हमें अकेलेपन से डर लगता है, बीमारी से डर लगता है, सबसे बड़ा मृत्यु से डर लगता है। बहुत सारे लोगों से मैं बातें करती हूँ कि जो आज जवान है, मृत्यु के बारे में उन्हें भय नहीं लगता, लेकिन जो अपना प्रोफेशनल लाइफ है, तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या मैं कॉम्पिटेंट रह पाऊँगी, क्या मैं रिलेवेंट रह पाऊँगी? आजकल इतने नए नए लोग आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, तो क्या सब मैं ये सीख पाऊँगी? मन में चिंता है, भय है। तो भगवान कहते हैं कि त्रायते महतो भयात्, भगवद्गीता के अभ्यास से कर्म करने का योग्य दृष्टिकोण आप सीख जाओगे, और योग्य दृष्टिकोण से कर्म और उपासना करोगे तो किसी बात की चिंता नहीं होगी, किसी बात का भय नहीं लगेगा। बाहर की परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन अंदर से तुम्हारे भय और चिंता से तुम मुक्त हो जाओगे। ये भगवान का आश्वासन है, ये भगवद्गीता के अभ्यास का एक फल है। सशांति मधि गच्छति, तुम्हें पराशांति प्राप्त हो जाएगी। पराशांति मतलब श्रेष्ठ शांति। भगवद्गीता के अभ्यास के उपरांत श्रेष्ठ शांति मिल जाएगी,
ये सद्ग्रंथ के अभ्यास का एक लक्षण है जो भगवद्गीता में हमें दिखता है कि अभ्यास का परिणाम क्या होगा, क्यों हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें शांति मिलती है, लेकिन वो अत्यंत फिकल होती है, अत्यंत तत्कालिक टेम्पररी शांति हमें मिलती है। और ऐसी जो शांति है कि वो ताश के बंगले की तरह होती है, ज़रा सी हवा आ जाए तो ताश का बंगला गिर जाता है, बिल्कुल ज़रा सा कुछ प्रतिकूल जीवन में हो जाए तो जो भी हमारा शांति का बंगला है वो टूट जाता है और हम लोग यूं ही मन में गुस्सा हो जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, बेचैन होते हैं। तो इस तरह से जो शांति दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति पर निर्भर है वो सापेक्ष शांति होती है, वो हमेशा भंग होने वाली है। इस दुनिया की जब रचना हुई तो दुनिया की रचना इस दृष्टिकोण से नहीं हुई कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन के अनुसार अपना आचरण करेगी। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने स्वयं के खुशी के लिए और अपने स्वयं के विचारों के अनुकूल अपना स्वयं का आचरण करती है। बहुत सारी बार लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपने ही मन के अनुसार अपना बर्ताव नहीं रख पाते। तो जो व्यक्ति अपने ही मन के अनुसार अपना बर्ताव नहीं कर पाती, वो मेरे मन के अनुसार बर्ताव क्यों करेगी, कैसे करेगी? तो फिर मेरी शांति अगर मैंने दूसरे व्यक्ति के बर्ताव पर, आचरण पर, दूसरी घटनाओं पर निर्भर रखी तो मैं कभी, मुझे इस तरह की शांति प्राप्त होना कभी संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो शांति, जो सुख, जो समाधान किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं, ऐसी पराशांति, श्रेष्ठ शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ये भगवद्गीता के अभ्यास का फल है, परिणाम है, ये सद्ग्रंथ का एक लक्षण है जो हमें भगवद्गीता में दिखाई देता है। पांचवा लक्षण है अर्थवाद। अर्थवाद मतलब थोड़ी एग्जाजरेशन की बात, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हम लोग कुछ करते हैं, महिमा मंडन किसी बात का करते हैं कि वास्तविक उसमें तथ्य नहीं होता। जैसे हम लोग टीवी पर एड्स देखते हैं तो बहुत सारे मार्केटिंग के एड्स होते हैं कि आप ये तेल लगाओ तो आपको काले लंबे घने बाल मिल जाएंगे। तो हम लोग वो तेल लेकर आते हैं 200 रुपये, 500 रुपये लेकर, लेकिन इस तरह के तेल लगाने से वाकई में वैसे बाल बन गए ऐसा प्रत्यक्ष जीवन में हमने कभी नहीं देखा। तो वो जिस तरह किसी प्रोडक्ट का महिमा मंडन करते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करते हैं, वैसे सद्ग्रंथ में एकाध बात होती है जो अतिशयोक्तिपूर्ण उसका महिमा कथन करती है। भगवद्गीता में कहा है भगवान ने, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अब इस तरह का स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो मन में बहुत आशा निर्माण हो जाती है कि अगर मैं भगवद्गीता पढ़ूंगी, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगी तो मेरा कभी विनाश नहीं होगा। इस तरह का शब्दशः अर्थ यहाँ पर लेना अपेक्षित नहीं है। ये जो बात भगवान ने कही है ये अत्यंत प्रारंभिक स्तर के साधक और अभ्यासक के लिए कही है। जिस व्यक्ति ने कभी भगवद्गीता हाथ में नहीं ली, जिस व्यक्ति ने कभी किसी शास्त्र ग्रंथ का, सद्ग्रंथ का अभ्यास नहीं किया, जो केवल इस प्रापंचिक जीवन में, दुनियादारी में लगा हुआ है, जिसे इस प्रपंच में, दुनियादारी में अपना विनाश होने का भय सातत्य से लगता है, उस व्यक्ति को उस प्रपंच के पकड़ से दूर करने के लिए इस तरह का आश्वासन भगवान देते हैं कि जब तक तुम केवल दुनियादारी करते रहोगे मन में हमेशा भय रहेगा, लेकिन अगर मेरे भक्त बन जाओगे तो मैं तुम्हें इस विनाश से बचा लूँगा। ये जो आश्वासन है भगवान का ये केवल प्राथमिक स्तर के साधक को है, प्राथमिक स्तर के अभ्यासक को है। जो केजी में बच्चे होते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से जो केजी में है उनके लिए ये आश्वासन है। धीरे धीरे जैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन में क्रम विकास होता है तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी घटना हमारे जीवन में हो रही है वो हमारे ही कल्याण के लिए है। बहिरंग से भले ही वो घटना हमें प्रतिकूल लगे, बहिरंग से वो कष्टदायक घटना लगे, लेकिन वो इसीलिए हमारे जीवन में हो रही है क्योंकि इसमें हमारा अंतिम हित निहित है। तो प्रणश्यति की ये जो बात है ये इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो अर्थवाद है ये लोगों को भगवद्गीता के तरफ, भगवान श्री कृष्ण के तरफ, भक्ति की तरफ, धार्मिक आचरण की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है, इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए। योगक्षेमम वहाम्यहम, एक दूसरा भगवान का प्रॉमिस है।
कि योगक्षेम मतलब तुम्हारे जो घर गृहस्थी है इसमें जितने भी बातें तुम्हें चाहिए, जिनकी रक्षा करना आवश्यक है, वो सब मैं संभाल लूँगा। अगर तुम हमेशा मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हारी सारी ये जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं इनको मैं संभाल लूँगा। ये भी आश्वासन केवल प्राथमिक स्तर के साधकों के लिए हैं, इन्हें शब्दशः नहीं लेना चाहिए। प्रारंभ में भगवद्गीता की महत्ता पढ़ने के लिए इस तरह के अर्थवादात्मक कुछ विधान गीता में किए गए हैं। और ये सद्ग्रंथ का एक पांचवा लक्षण है जो गीता में दिखाई देता है। और छठा लक्षण है उपपत्ति या फिर युक्ति। उपपत्ति शब्द का अर्थ है कि कोई एक ट्रिक कि एक ओरेटर होता है या फिर कोई साइंस मैथ्स पढ़ाने वाले जो अत्यंत इफेक्टिव टीचर होता है, वो अलग अलग युक्ति का प्रयोग करके अपना विषय पढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का प्रबोधन किया तो उन्होंने कई सारे युक्तियों का प्रयोग यहाँ पर किया है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंक्षसि। इसका अर्थ है कि अर्जुन, अगर तुम मेरे उपदेश के अनुसार मेरी बात सुन के अपना आचरण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और अगर मेरी बात तुमने नहीं सुनी, मेरे उपदेश के अनुसार आचरण नहीं किया, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यहाँ पर जो कल्याण है वो प्रमुखतः पारमार्थिक कल्याण की बातें चल रही है, श्रेय की बातें चल रही है। हम लोग आगे ये संकल्पनाओं को देखने वाले हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय मतलब पारमार्थिक कल्याण, शाश्वत कल्याण, शाश्वत उन्नति, जो कायम टिकने वाली है ऐसा कल्याण, ऐसी उन्नति। और प्रेय का अर्थ है सांसारिक कल्याण, केवल संसार में उन्नति जो कम ज़्यादा होते रहती है। तो यहाँ पर भगवान जिस कल्याण की बात कर रहे हैं वो श्रेय की बात है, पारमार्थिक शाश्वत कल्याण की बात है कि अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से तुम्हारा कल्याण होगा, शाश्वत रूप से तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं सुनोगे तो नहीं होगा। कई बार ये होता है कि छोटा बच्चा जो बात नहीं मानता उसे चॉकलेट दिखाना कि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ये एक ट्रिक है बच्चे को समझाने का। दूसरी ट्रिक है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खोली में बंद कर दूंगी, किसी कमरे में बंद कर दूंगी, या फिर आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तो दूसरी तरह से डांट के भी बच्चे को सिखाना पड़ता है। इन दोनों प्रयुक्तियों का उपयोग एक ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि सुनोगे तो कल्याण होगा, नहीं सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा। किसी एक युक्ति से शायद अर्जुन मान जाए, इसलिए अलग अलग उपपत्ति का उपयोग भगवान अपने प्रबोधन में करते हैं। तो गीता शास्त्र में ये जो षडलिंग है, छह लक्षण है, उपक्रम उपसंहार की एकवाक्यता, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये सारे के सारे लक्षण हमें भगवद्गीता में दिखते हैं। इसको इंडिकेट करने वाले श्लोक इस ग्रंथ में आए हुए हैं। तो अनुबंध चतुष्टय और षडलिंग भगवद्गीता में अच्छी तरह से हमें दिखाई देते हैं, और इनका अभ्यास करके एक दिशा हमें मिलती है कि इस दिशा में हमें अभ्यास करना है, किस दिशा में हमें प्रगति करनी है, किस दिशा में हमें भगवद्गीता का विचार करना है। एक डायरेक्शन हमें मिलती है और एक सुंदर अर्थपूर्ण अभ्यास हम लोग इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं। तो ये जो है परंपरागत अनुबंध चतुष्टय और षडलिंगों का हमने अभ्यास किया, और इसके आगे जो बात हम लोग सीखने वाले हैं, प्रत्यक्ष भगवद्गीता में प्रवेश करने से पहले ये सारी पूर्व तैयारी है। ये पूर्व तैयारी जितनी अच्छी करेंगे उतना हमारा जो प्रत्यक्ष अभ्यास है वो अधिक इफेक्टिव होगा। हमने आज इस सत्र के प्रारंभ में देखा था कि ये धीरे धीरे होने वाली बात है, ये कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है, ये क्रैश कोर्स नहीं है, भगवद्गीता इन 21 डेज ऐसा ये प्रोग्राम नहीं है। हम लोग धीरे धीरे इन सारी संकल्पनाओं को समझेंगे, इनको हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अप्लाई कैसे किया जाए, इनका उपयोग कैसे किया जाए, इन सारी बातों का हम लोग विस्तार से अभ्यास करने वाले हैं। तो भगवद्गीता का प्रत्येक अध्याय का पठन करने के उपरांत प्रत्येक अध्याय के अंत में एक लाइन आती है, एक पंक्ति आती है, हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय ऐसी पुष्पिका, ये जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम लाइन है, उसे पुष्पिका कहते हैं। ये जो अंतिम लाइन है ये प्रत्येक अध्याय के अंत में आती है और प्रत्येक अध्याय के अंत में केवल अध्याय का नाम और अध्याय का क्रमांक ये बदलता है। तो अर्जुन विषाद ये प्रथम अध्याय है, सांख्य योग ये द्वितीय अध्याय है, कर्मयोग ये तृतीय अध्याय है। अध्याय का नाम और अध्याय का क्रमांक बदलता है लेकिन जो उर्वरित पुष्पिका है वो प्रत्येक अध्याय के अंत में समान है। प्रत्येक अध्याय का पठन अभ्यास करने के बाद इस पुष्पिका को कहने की परंपरा रही है। अब ये जो पुष्पिका है वो रैंडमली वहाँ पर नहीं डाली, उद्देश्य ही नहीं है। इस पुष्पिका के प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है। हम लोग ये जो पांच महत्वपूर्ण शब्द है, श्रीमद् भगवद गीतासु, उपनिषदसु, ब्रह्म विद्यायाम, योग शास्त्रे और श्री कृष्णार्जुन संवादे, इन पांचों शब्दों का विस्तार से विचार करने वाले हैं कि भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय हमें क्या देना चाहता है, भगवद गीता में किस बात का प्रबोधन हुआ है और प्रत्येक अभ्यास के अंत में हम लोग थोड़ा इवैल्यूएट करें, आत्म परीक्षण करें कि जो बात भगवद गीता हमें देना चाहती है, जो बात हमें भगवद गीता सिखाना चाहती है, क्या हमने वो सीखी है, जो बात हमें भगवान देना चाहते हैं क्या हमने उसका ग्रहण किया है, इन सारी बातों का थोड़ा इवैल्यूएशन होना अपेक्षित है। और भगवद गीता हमें क्या देना चाहती है वो इस पुष्पिका के अभ्यास के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके प्रत्येक शब्द का हम लोग विस्तार से अभ्यास करेंगे, इसका भूमिका, इसकी भूमिका, इसका दृष्टिकोण समझने का अभ्यास करते हैं। तो पुष्पिका में पहला शब्द है श्रीमद् भगवद गीता, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु। अब देखिए तत्सदिति ये भी शब्द है लेकिन ये जो शब्द है इसका हम लोग भगवद गीता के 17th अध्याय में विस्तार से विचार करने वाले हैं। भगवान ने केवल इस एक शब्द का उपयोग अपने एक श्लोक में किया हुआ है 17th अध्याय में, तो तत्सदिति का अभ्यास हम लोग 17th अध्याय में करेंगे। लेकिन ये जो बातें हैं श्रीमद् भगवद गीतासु, ये अभ्यास के पहले इनके बारे में ज्ञान होना, समझ होना आवश्यक है। तो इनका कुछ इंट्रोडक्टरी अभ्यास हम लोग पहले करते हैं, गीता के प्रवेश के पहले हम लोग ये अभ्यास करते हैं। तो पुष्पिका का पहला शब्द है श्रीमद् भगवद गीतासु। ये जो ग्रंथ है सर्वांग सुंदर सर्वगुण संपन्न ग्रंथ है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जितनी भी बार भगवद गीता की किताब हाथ में आती है तो यही एक विचार मन में आता है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ, जिस भारत भूमि में भगवान जी ने स्वयं ये गीता का प्रबोधन किया, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि अनेक टीकाकार, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महान आचार्य, इनके माध्यम से ये गीता, इसका आशय आज हम तक पहुँच रहा है। भगवद गीता के महात्म्य में कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ने ही शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृतः, मुख पद्मात् विनिसृतः। तो श्लोक का, इस गीता महात्म्य में जो श्लोक है उसका अर्थ है कि गीता सुगीता करने योग्य है, गीता सुगीता कर्तव्या। और सुगीता कर्तव्या का अर्थ क्या है कि ये जो गीता नाम का ग्रंथ है इसका अच्छी तरह से अभ्यास करके और अत्यंत भावपूर्ण अंतःकरण से इसको हमारे मन में धारण कर लेना हमारा मुख्य कर्तव्य है। केवल अभ्यास करना नहीं, तो इसका जो आशय है इसे अपने अंतःकरण में धारण करना, उसे कहते हैं गीता का सुगीता करना, गीता सुगीता कर्तव्य। और इस तरह हमने इसके आशय को ग्रहण कर लिया, अपने अंतःकरण में धारण कर लिया, तो बहुत सारा जो बाकी के शास्त्र का विस्तार है उसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता जब हम लोग हाथ में लेते हैं तो एक अत्यंत संप्रदाय पूर्वक, एक संप्रदाय की मदद से अत्यंत शास्त्र शुद्ध अभ्यास हो, श्रवण हो, ये आवश्यक है। यहाँ पर हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं वो भगवान शंकराचार्य के केवलाद्वैत अनुसार अभ्यास है। आचार्य ने जो शांकर भाष्य लिखा था उसके अनुसार हम लोग ये सारा अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारे एक प्रसिद्ध संत हो गए, जो लोग महाराष्ट्रीय नहीं है उनके लिए मैं कह देती हूँ,
कि उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। अपने उम्र की केवल 16वें साल में उन्होंने संपूर्ण भगवद गीता पर 9000 मराठी वर्सेस की कमेंट्री लिखी। मराठी में उसे पद्यात्मक काव्य टीका कहते हैं या फिर पद्यात्मक टीका कहते हैं, पोएटिक कमेंट्री है। तो 9000 वर्सेस उसमें हैं, जो भगवद गीता के मूल 700 श्लोक हैं उनके ऊपर उन्होंने 9000 मराठी में वर्सेस लिखे हैं और प्रत्येक श्लोक का अत्यंत विस्तार से स्पष्टीकरण दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो अभ्यास करने वाले हैं वो भगवान शंकराचार्य और संत ज्ञानेश्वर इनके जैसे महान आचार्य टीकाकारों को फॉलो करते हुए हम लोग ये अभ्यास करने वाले हैं। इस तरह संप्रदाय पूर्वक शास्त्र शुद्ध श्रवण होना, अभ्यास होना आवश्यक है। इन लोगों के ऊपर विश्वास रख के, श्रद्धा करके अभ्यास करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इन संतों का, आचार्यों का संपूर्ण जीवन केवल इसी एक कार्य के लिए समर्पित था, केवल इसी एक कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। और दूसरी बात कि आचार्य भगवान शंकराचार्य और संत ज्ञानेश्वर ये अत्यंत निष्काम संत थे, निष्काम आचार्य थे, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पहले और बाद में कभी समाज में किसी से किसी बात की अपेक्षा नहीं रखी। तो भगवद गीता के ऊपर भाष्य करने का उनका जो कार्य है ये अत्यंत निस्वार्थी हेतु से था, और संपूर्ण समाज का कल्याण हो केवल इस दृष्टिकोण से जिन्होंने टीका लिखी है, उनके शब्दों पर विश्वास करके हम लोग यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। ये बात गीता के संदर्भ में कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल हम लोगों के सर पर एक मॉडर्नाइजेशन का फैड चढ़ा हुआ है कि प्रत्येक बात का हम लोग आधुनिकीकरण करना चाहते हैं और एक नए दृष्टिकोण से, नए इंटरप्रिटेशन के साथ हम लोग भगवद गीता को प्रस्तुत करना चाहते हैं। भगवद गीता के अभ्यास करने के अनेक सारे पेरिफेरल एंगल्स पहले भी समाज में थे, आज भी समाज में है। भगवद गीता फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, भगवद गीता फॉर कॉरपोरेट ट्रेनिंग, भगवद गीता फॉर सोशल इक्वालिटी। तो सोशल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ग्लोबल वार्मिंग, इन बातों के लिए गीता का अभ्यास हम लोग नहीं कर रहे हैं। भगवद गीता का अभ्यास प्रमुखतः जीव ब्रह्मैक्य के लिए है, अपने स्वयं के स्वरूप के अनुभूति के लिए है, ऐसा भगवान शंकराचार्य ने कहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने जीवन के कई सारे साल केवल ज्ञानेश्वरी में या गीता में जो पोएटिक डिवाइसेस है, लिटररी एलिमेंट्स है, वांग्मयीन काव्यालंकार, रसालंकार, शब्दालंकार, दृष्टांत, उनका अभ्यास करते हुए उन्होंने अपने जीवन के सालों साल व्यतीत कर दे। तो एक बात हम लोग याद रखें कि तो ये सारे भगवद गीता के अभ्यास के पेरिफेरल एंगल्स है, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य केवल एक ही है और वो है जीव ब्रह्मैक्य, ऐसा भगवान शंकराचार्य ने कहा है, संत ज्ञानेश्वर ने कहा है। उन सारी बातों ने अपना अंगुली निर्देश केवल जीव ब्रह्मैक्य की तरफ किया है और केवल उस एक दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। बाकी के सारे दृष्टिकोण से अगर अभ्यास करेंगे कि दूसरे कोई टीकाकार है उन्होंने वो टीका लिखी, तीसरे कोई टीकाकार है उन्होंने वो टीका लिखी, तो उनमें और शंकर भाष्य में क्या फ़र्क है? ये PhD का, एकेडमिक स्टडी का विषय नहीं है। दूसरे टीकाओं के साथ तुलना करना, दूसरे लोगों के साथ तुलना करना, दूसरे सद्गुरु संप्रदाय के साथ तुलना करना, ये हमारा काम नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं। हम प्रामाणिक साधक हैं और हमें केवल मोक्ष के लिए इस सद्ग्रंथ का अभ्यास करना है। भगवद गीता ये जो सद्ग्रंथ है ये प्रस्थान त्रयी में से एक ग्रंथ है ऐसा माना जाता है। प्रस्थान शब्द का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे हम लोग कहते हैं कि काशी में जाने के लिए मैंने प्रस्थान रख लिया, तो जो हमारे जीवन में तीर्थ यात्रा होती है वहाँ पर जाने के लिए जब कोई व्यक्ति निकलता है तो उसे प्रस्थान कहते हैं। वो बाहर की यात्रा है, वो स्थूल यात्रा है, लेकिन भगवद गीता का अभ्यास और प्रस्थान त्रयी जो है ये तीन ग्रंथ है। ये तीन ग्रंथ हमें हमारे स्वरूप की यात्रा पर लेकर चलते हैं। प्रस्थान, देह बुद्धि ते आत्म बुद्धि करावे, मैं देह हूँ ऐसा मुझे आज लगता है। और ये जो प्रस्थान त्रयी है, तीन प्रमुख मूलभूत ग्रंथ, वो हमें देह बुद्धि से आत्म बुद्धि तक लेकर जाते हैं। ये अंदर का प्रवास है,
अंदर की यात्रा है। आत्मबुद्धि, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस अंदर की यात्रा के लिए मार्गदर्शन करने वाले वेदांत के जो तीन प्रमुख ग्रंथ हैं वो है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता। उपनिषद, इस शब्द का हम लोग विस्तार से अभ्यास करने वाले हैं, तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता। ब्रह्मसूत्र वो है जो महर्षि वेदव्यास ने लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों के माध्यम से वेदांत शास्त्र का श्रवण करें, ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से शास्त्र का मनन करें और भगवद्गीता के माध्यम से निधिध्यासन करें। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये महत्वपूर्ण शब्द है। वेदांत शास्त्र के तात्पर्य के निश्चय को श्रवण कहते हैं। श्रवण मतलब केवल कानों से सुनने को श्रवण नहीं कहते हैं। हमारे मराठी में कहावत है कि नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे, मतलब यहाँ से हवा आई और दूसरे कान से चली गई। तो केवल कानों से सुनने की प्रक्रिया को श्रवण नहीं कहते। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, पहले ये भगवद्गीता जैसे सत्संग है वो इन पर्सन होते थे। बहुत पुराने ज़माने में आश्रम में सद्गुरु के घर पे जाके ये करना पड़ता था। अब सद्गुरु भी नहीं रहे, वैसे आश्रम भी नहीं रहे, तो किसी घर में, किसी छोटी सी शाला में ऐसे उपक्रम होते थे, तो हम लोग एक जगह पे मिलके ये अभ्यास करते थे। अब इंटरनेट का ज़माना है, कोरोना के ज़माने में ये ऑनलाइन ये सारे सत्संग होते हैं, बहुत सारे सत्संग। तो श्रवण होने के समय जो श्रोता है वो किस तरह से बैठकर श्रवण कर रहा है ये देखने वाला कोई नहीं होता। तो कई सारे लोग हैं जो बेड पे लेटकर श्रवण करते हैं, खाना खाते हुए श्रवण करते हैं, चाय बनाते हुए श्रवण करते हैं। इस तरह के श्रवण का बहुत लिमिटेड मूल्य है, इसका उपयोग होने वाला नहीं है। यहाँ पे श्रवण की स्पेसिफिक व्याख्या हमारे शास्त्र में की गई है कि वेदांत शास्त्र के तात्पर्य के निश्चय को श्रवण कहते हैं। शास्त्र का तात्पर्य किसमें है कि ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरहा। केवल ब्रह्म नाम का तत्व सत्य है, संपूर्ण जग मिथ्या है और प्रत्येक जीव, मेरा जीव और मेरे सारे परिवारजन, संपूर्ण समाज में जितने सारे प्राणी हैं, प्रत्येक जीव मूलतः ब्रह्मरूप है, दूसरी बात नहीं है। तो संपूर्ण ये जो दृश्य विश्व है, नाम रूपात्मक दृश्य विश्व, ये मिथ्या है, आभासात्मक है, ब्रह्मरूप है, ये सत्य नहीं है। केवल ब्रह्म नाम का तत्व सत्य है और मैं स्वयं ब्रह्मरूप हूँ, ये वेदांत शास्त्र का तात्पर्य है। और इसका निश्चय जब तक बुद्धि में नहीं होता, तब तक जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसे श्रवण कहते हैं। कानों से सुनना ये भी श्रवण है, आँखों से पढ़ना, पढ़ना विचार करना, सारे ज्ञानेंद्रियों से हम लोग जितना इनपुट लेते हैं वो सारा एक दृष्टिकोण से श्रवण ही है, क्योंकि वो हमें तात्पर्य के निश्चय में मदद करता है। तो जीवो ब्रह्मैव नापरहा, ये निश्चय जब तक नहीं होता तब तक श्रवण करना चाहिए, और वो प्रमुखतः उपनिषदों के माध्यम से किया जाता है। ब्रह्मसूत्र ये जो ग्रंथ है उसमें मनन होता है। मनन शब्द का अर्थ है कि जीव ब्रह्मैक्य के दृष्टिकोण से जो साधक विचार है उन्हें दृढ़ करना और जो बाधक विचार है उनके निवृत्ति करना, इस साधक बाधक विचार को मनन करते हैं, मनन कहते हैं। कि जीव मुख्यतः ब्रह्मरूप ही है, ये स्टेटमेंट जब हमारे मन सामने आता है तो मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती है, संशय होते हैं। उन सारे संशयों का निवारण करना आवश्यक है, और संशय निवारण करने की इस प्रक्रिया को मनन कहते हैं, साधक बाधक विचार को मनन कर कहते हैं। और ये साधक बाधक विचार मुख्यतः ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से किया जाता है। और तीसरा है निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है कि जो निश्चय बुद्धि में हो गया, संशय रहित होने के उपरांत उसी निश्चय को, उसी सिद्धांत को, जीव ब्रह्मरूप है इसी सिद्धांत को तैल धारावत एकाग्र वृत्ति से अखंड धारण करना, अखंड उस चिंतन में रहना, उसे निधिध्यासन कहते हैं। तैल धारावत एकाग्र वृत्ति से अखंड धारण करना। तो देखिए, जब कोई बात जब तक हमें समझ में नहीं आती तब तक श्रवण करना चाहिए, समझ में आया लेकिन यकीन नहीं आया तब तक मनन करना चाहिए, विश्वास नहीं हुआ तब तक मनन करना चाहिए,
अब ये बात मुझे समझ में आ गई, मेरा विश्वास भी हो गया, सारे संशयों का निवारण हो गया, लेकिन अनुभूति नहीं आई तब तक निधिध्यासन करना चाहिए। समझ में नहीं आया तब तक श्रवण, विश्वास नहीं हुआ तब तक मनन, और अनुभव नहीं आया तब तक निधिध्यासन। ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन वेदांत अभ्यास की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे भले ही कहा हो कि उपनिषदों में श्रवण है और भगवद्गीता में निधिध्यासन है, लेकिन ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। तीनों ही ग्रंथों के माध्यम से श्रवण, मनन, निधिध्यासन हो सकता है। तो ये प्रस्थान त्रयी का अभ्यास हमारे इस शास्त्र की परंपरा में प्रमुख अभ्यास रहा है, और इस प्रस्थान त्रयी में भगवद्गीता का अत्यंत विशेष स्थान है, क्योंकि इसके माध्यम से निधिध्यासन किया जाता है। जो तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें लेनी है उसके लिए भगवद्गीता हमें मदद करती है, इसलिए एक प्रस्थान त्रयी के अभ्यास का प्रमुख घटक है श्रीमद् भगवद्गीतासु, प्रस्थान त्रयी का प्रमुख घटक। भगवान का गीत है, भगवान ने गाई हुई गीता है। इसका बहिरंग का थोड़ा सा हम लोग अभ्यास करते हैं कि महाभारत में भीष्म पर्व में ये भगवद्गीता आती है। कुल 700 श्लोक है जिसमें चार पात्र है, चार किरदार है। भगवान स्वयं 575 श्लोक कहते हैं, अर्जुन 84 श्लोक कहता है, संजय 40 श्लोक कहते हैं, और धृतराष्ट्र के मुख में केवल एक श्लोक है। ऐसा इन श्लोकों का डिवीजन है। कुल 700 श्लोक भगवद्गीता में है, 18 अध्याय है, और उनका साधारण विभाजन 3 विभागों में किया जाता है। भगवद्गीता के जो पहले 6 अध्याय है वो प्रमुखतः कर्म का प्रतिपादन करते हैं, कर्म पर है। अगले 6 अध्याय उपासना पर है, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान पर है। ऐसा भगवद्गीता का एक डिवीजन है। भगवद्गीता का दूसरा डिवीजन एक वेदांत के प्रमुख टीकाकार दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, इन्होंने अपनी टीका में भगवद्गीता का विभाजन एक अलग पद्धति से कहा है। तत्वमसि ये वेदों का महावाक्य है। तत् त्वम असि, वो तुम हो। वो मतलब ब्रह्म, त्वम मतलब तुम, जीवात्मा। तो जीवात्मा मूलतः परमात्मा ही है, ये वेदों का महावाक्य है। चार महावाक्यों में से एक महावाक्य है। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि भगवद्गीता के पहले 6 अध्याय प्रमुखतः त्वम पदवाचक है। वो जीव, जीवात्मा का स्वरूप, उसने क्या करना चाहिए इसका वर्णन करते हैं। अगले 6 अध्याय तत्पदवाचक है। वो ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, भक्ति, ब्रह्म, परमात्मा, इनका मुख्यतः वर्णन करते हैं। और अंतिम 6 अध्याय असी पदवाचक है। त्वम पद और तत्पद का ऐक्य किस तरह किया जाए, किस पद्धति से किया जाए, इस ऐक्य का प्रतिपादन करने के लिए अंतिम 6 अध्याय है। तो कुल 18 अध्याय है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, वाटर टाइट डिवीजन नहीं है। सारे अध्यायों में कर्म, उपासना और ज्ञान, इनका थोड़ा बहुत विचार आया हुआ है, लेकिन पहले 6 अध्याय प्रमुखतः कर्म पर और त्वम पदवाचक, अगले 6 अध्याय प्रमुखतः उपासना पर और तत्पदवाचक, अंतिम 6 अध्याय ज्ञान पर और असी पदवाचक है। ये भगवद्गीता का ओवरऑल डिवीजन है जिस ग्रंथ का यहाँ पर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। ये बात हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि गीता के पठन के अंत में जब हम लोग पुष्पिका पढ़ते हैं तो ये सारी बातें स्मरण में आ जाए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों ये अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि हमें ज्ञान होना आवश्यक है, त्वम पद का तत्पद से ऐक्य होना आवश्यक है, हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति आना आवश्यक है। इसके लिए ये सारा उपक्रम है, इसके लिए ये सारा अभ्यास है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज के हमारे सत्र की हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं, और अगला जो सत्र है वो कल रात को 9 बजे होगा। हरिओम तत्सत।